हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जामोस्फेयर। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ बेसिकली। सो आप लोगों को एक रफ आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना। डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम। देखो, कंटेम्प्रेरी टाइम का मतलब क्या है? समकालीन समय, मतलब आज के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है, जो भारत की विदेश नीति है या फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है उसको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर अच्छे से, ठीक है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में करना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी लिखा है या इनिशियली लिखा है, ठीक है। सो इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, नैम हैज लॉस्ट इट्स रेलिवेंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा कमेंट। अब देखो, ये बात आपको पता है ना, नैम किसकी बात हो रही है? गुट निरपेक्ष आंदोलन की, है ना। जो मतलब अब देखो, हिंदी में लिखा हुआ है सीधा सीधा गुट निरपेक्ष आंदोलन, पर इंग्लिश में ओनली नैम लिखा है। सो वैसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम इसे नैम भी बोल देते हैं समटाइम, अदरवाइज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी बोल देते हैं। सो ये बहुत कॉमन सी बात है, पर हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तो अब इसकी जो रेलिवेंसी है क्या वो खत्म हो गई है, ठीक है। सो अब उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि मतलब कैसे वो खत्म हो चुकी है, तो आपको उसके बारे में अपने क्या करने है? अपनी बातें लिखनी है। पर ये मत लिख देना गलती से भी आंसर में कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, ऐसे वाले वर्ड्स प्लीज यूज मत करना आंसर में। नॉर्मली ऐसा कहा जा सकता है, या इस टाइप की लैंग्वेज को थोड़ा सा ना मैन्युपुलेटिव वे में यूज करना, ओके। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस पोस्ट 9/11 चेंजेस इन इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, ठीक है। 9/11 की जो घटना हुई उसके बाद इंडिया और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप में चेंजेस आए, ठीक है, वो थोड़ा सा एक बार देख लेना। नेक्स्ट है आपका, क्रिटिकली एनालिसिस द इंडिया चाइना रिलेशंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंक्रीजिंग कन्फ्रंटेशंस इन रीसेंट ईयर। अब देखो, ये बात बहुत ध्यान रखना है, बहुत काम की बात है कि रीसेंट ईयर, कंटेम्प्रेरी। देखो, फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट ही ऐसा है आपका आईएफपी कि जिसमें ना रीसेंट वाली चीजों के साथ आपको कनेक्ट करके अपना क्या करना है, आंसर्स को प्रिपेयर करना है। सो जब आप इंडिया चाइना का रिलेशन करोगे, जब आप बताओगे, तो आप ये तो बताओगे कि कब कब वॉर हुई, ठीक है, आप पंचशील एग्रीमेंट वगैरह सब कुछ बताओगे, बट इसके अलावा आपको और क्या बताना पड़ेगा? थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज अवॉइड करना, ठीक है। बाकी इसमें और क्या करना पड़ेगा आपको, जो रिसेंटली मतलब जितने भी अभी लास्ट के 4-5 साल के, 4-5 ईयर के जो भी आपके इवेंट्स हुए, जो भी कन्फ्रंटेशन हुए, वो जरूर ऐड करना, ठीक है, लोकेशन के साथ, ताकि आपका आंसर का वजन अच्छा होगा, मतलब क्वालिटी इनहेंस होगी, ओके। फिफ्थ है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। देखो, फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट है, आपसे चाइना का पूछ लिया रिलेशन, यूएस का पूछ लिया, अब बात आ रही है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की, ठीक है। सो मेजर आपको पता ही है कि मेजर जो इशू है हमारा, वैसे तो हमारे बहुत सारे इशू हैं, पर जो मेजर है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी है, राइट, कि वो बहुत बढ़ावा मिलता है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो आप ओनली टेररिज्म के बारे में लिखने मत बैठ जाना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, बस टेररिज्म वर्ड पकड़ा और लिखना शुरू कर दिया। नहीं, हमें इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख के अपना आंसर प्रिपेयर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ रिफ्यूजी प्रॉब्लम ऑन इंडो बांग्लादेश रिलेशन। अब देखो, आपके सारे नेबरिंग के साथ आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, मतलब यूएसए ऑब्वियसली नेबरिंग नहीं है, बट इंपॉर्टेंट आपके साथ रिलेशन शेयर होते हैं उनके, ठीक है। सो फॉरेन पॉलिसी का वही आपके सिलेबस में आपने जो चीजें पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करो और कंटेम्प्रेरी चीजों के साथ थोड़ा जोड़ के अपना आंसर प्रिपेयर करो, ओके। सो रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, बांग्लादेश रिलेशन हमारे इसीलिए थोड़े से हमारे कभी कभी क्या होते हैं, अप डाउन आते हैं हमारे रिलेशनशिप में, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो थोड़ा सा एक बार आपको डिटेल में डिस्कस करना है, ओके। सो आप इसको शुरू करना। इसके अलावा इवेल्युएट इंडियाज स्ट्रेटजी एट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की बात हो रही है, राइट। सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ये तो एक आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसको ध्यान में ना रखते हुए आप क्या करोगे, इंडिया के साथ इसको लिंक क्रिएट करके देन आप इसको एक्सप्लेन करोगे। नेक्स्ट है आपका 8th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ग्रोइंग रोल ऑफ इंडिया एट वेरियस मल्टीलेटरल फोरम इन कंटेम्प्रेरी टाइम। अब देखो, ये मल्टीलेटरल फोरम की बात हो रही है, इसका मतलब ना ये जितने भी आपके ये ब्रिक्स हैं, एशियान है, यूरोपियन यूनियन है, मतलब ये जितने भी बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, सार्क वगैरह है, आप इन सबको ध्यान में रखते हुए किस तरीके से मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं उसमें इंडिया किस तरीके से अपना मेजर रोल प्ले कर रहा है कंटेम्प्रेरी टाइम में, आज के टाइम में, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें G20 वगैरह, मतलब आप इन सबको ना, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जांपल लेके, इनको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करके अपना आंसर फ्रेम करना, ओके। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, डू यू थिंक सार्क हैज फेल्ड टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन एंड लास्टिंग पीस इन साउथ एशिया। देखो, सार्क बना ही इसीलिए था, कहा यही गया था ना, रीजनली हम कोऑपरेट करेंगे, आपस में पीस वगैरह मेंटेन करेंगे साउथ एशिया में। सो क्या आपको लगता है कि क्या ये चीज फेल हो गई है? सो इसके कॉन्टेक्स्ट में, पर एक बात बता रही हूँ, बींग पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट कह लो या फिर बींग आर्ट्स स्टूडेंट, हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम कोई भी आंसर को ये कह के नहीं लिख सकते कि मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से ऐसा है,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। सो आपको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब आप इस चीज को लिख रहे हो, ठीक है, तो आप कभी भी इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि मेरे हिसाब से ऐसा है या मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप नॉर्मल नॉर्मल थोड़ा सा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है, कि ऐसा कहा जा सकता है, या फिर सार को ध्यान में रखते हुए आप जिस भी तरीके से लिखेंगे, बस मैं और मेरा वाला वर्ड हटा देना प्लीज, ठीक है। 10th क्वेश्चन है शॉर्ट नोट, वही दो आपको करने पड़ते हैं, इंडियन बिम्स्टेक के बारे में है, इंडियन यूरोपियन यूनियन के बारे में है। ये तो सेम ही हो गया, यूरोपियन यूनियन पीछे था अभी, इंडिया एंड रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो ये ध्यान रखना, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के साथ इंडिया का कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं, तो इंडिया के क्या स्टैंड रहे, इंडिया का क्या हिसाब किताब रहा, उसको कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रख के हमें करना है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, सो लुक ईस्ट वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। एक्ट ईस्ट अलग है, लुक ईस्ट अलग है, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा। सो ये आपके बेसिकली 10 क्वेश्चन थे जो हमने अभी देखे, ठीक है। आपको इससे ये आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, आप बहुत आराम से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिर्फ जो दो तीन चीजें आपको बोली है मैम मेरा, वो सारे वर्ड्स यूज मत करना, कंटेम्पररी टाइम वाली चीजें, इंडिया चाइना का रिलेशन, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, रिसेंटली जो भी चीजें हुई हैं, जो भी चल रहा है, थोड़ा सा हमें पता हो ताकि हम अपने आंसर्स में लिख के आ सकें। क्योंकि आप देख रहे हो ना, फॉरेन पॉलिसी में, भारत की विदेश नीति में, सब्जेक्ट में ही सीधा सीधा लिख दिया कि भाई साहब आपको क्या करना है, जो आपकी रिसेंट वाली चीजें हैं आपको उससे जोड़ के लिखना है, ठीक है। सो इस चीज का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, उम्मीद है मुझे बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका, ठीक है। अच्छे से अटेम्प्ट करके आना, पेपर छोड़ना मत, कुछ भी हो जाएगा आराम से, इतना तो मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है पूरा पूरा, ओके। सो बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए जो भी आपके आगे अपकमिंग सब्जेक्ट होंगे जिसकी आपको बहुत ज्यादा नीड लगे, प्लीज कमेंट्स करके बताना, एंड आफ्टर एग्जाम जरूर बताना कैसा गया आपका एग्जाम, मैं वेट करूंगी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्दी नए कोर्स के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय।